ये बाला से आप समझ ही गए होंगे, वो आयुष्मान खुराना की बाला वो मूवी रिलीज हुई है और जाने जाते हैं आयुष्मान खुराना अपने मिडास टच के लिए और खासतौर पर जिस तरह की पुरानी मूवीज उन्होंने अब तक प्रेजेंट करी। एक शोर शॉट एंटरटेनर है और ये स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक यंग मैन जो समय से पहले गंजा होना शुरू हो चुका है, अच्छे खासे बाल हैं, चिंता की बात नहीं। आज तो स्पेसिफिकली हम सब काड़ काड़ के ठीक करके आए हैं पर आई एम श्योर ये मूवी बड़ी इंटरटेनिंग होने वाली है और सबसे हाईलाइट रहती है आयुष्मान खुराना की कई सारी मूवीज की। मैं और सुमित डिस्कस भी कर रहे थे ऐसे कि जो सपोर्टिंग कास्ट होता है, सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी, मजा आने वाला है इस मूवी में। बैक टू बैक छठवीं फिल्म है जो आयुष्मान खुराना की, जो बहुत ज्यादा हिट होने की संभावना रहती है। और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है, हर मूवी का सब्जेक्ट देखिए आप, गजब का। ये भी क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो भी ऐसे ही है, उसमें भी अगली जो लाइंड अप है वो भी उसी तरह की है, उसमें शुभ मंगल और सावधान जो आ रही है वो भी इसी तरह की ही मूवी है। अच्छा ये बाला से पता नहीं कि जब भी बाला की बात कर रहे हैं तो हाउसफुल का एक मूवी का जो सॉन्ग हिट हुआ था बाला पता नहीं कैसे कोइंसाइड करके कि वो सॉन्ग अभी भी हिट हुआ और बाला नाम की एक मूवी भी सामने आ गई। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि वो इस मैं तो कंफ्यूज था, मुझे तो बाद में प्रमोशन कर रहे हैं अक्षय कुमार। चलिए तो अब सवाल बड़ा ये है कि ये बाला से हम लोग आज शो में क्या करने वाले हैं। डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आए, बाला को हमने क्या करा, एक फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करी कैसे करें करें करें, तो आइडिया था कि बेस्ट अमंग लेटेस्ट अराइवल्स। अब ये क्या हुआ, देखिए शेयर बाजार में हाल में जो लिस्टेड कंपनीज हैं पिछले साल से अब तक की सारी रीसेंट लिस्टेड कंपनीज, मेरे ख्याल से 35 और स्टॉक्स का एक यूनिवर्स हो गया। इन रीसेंट लिस्टेड ये रीसेंट डेब्यूटांट्स, रीसेंट आईपीओस जो मार्केट में लिस्ट होने आए थे, उस यूनिवर्स में से कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज भी अट्रैक्टिव, आज भी खरीदारी करने के जिनमें मौके नजर आते हैं, तो वो बाला स्टॉक्स हैं। आप ये मत सोचिएगा हम बाल वाल से कुछ जोड़ने की कोशिश, ये बेस्ट अमंग लिस्टेड। तो बहुत ही अच्छा मौका ढूंढा है क्योंकि देखिए मैं देख रहा था कि बीएसई का जो आईपीओ इंडेक्स है वो फरवरी में था 3800 पे और आज है 6200 पे, यानी ये हो गया करीब करीब 65% का रिटर्न पिछले 9 महीनों में। तो आईपीओ मार्केट में तो लोगों ने क्या जबरदस्त कमाई की है आप सोच सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल अपॉर्चुन समय और ये बहाना मिल गया, अदरवाइज क्या होता था, हमें यूनिवर्स डिफाइन करने में फायदा होता है शो के लिए, तब अलग अलग तरह के स्टॉक्स खिल के आते हैं शो में निकल के आते हैं। तो अब रीसेंट आईपीओ पे हम लोग करने वाले हैं बातचीत और उनमें से जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं वो एक एक करके हम लोग करेंगे हाईलाइट। पहला स्टॉक मैं बताऊं, चलो मैं बता देता हूं आज पहला स्टॉक, तो वैसे तो मैंने चांस आएगी 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 पक्का आएगी अगले सेगमेंट में तो आई जाएगी, ये सेगमेंट मुझे बोल लेने दो। चलिए ठीक है, तो जो स्टॉक मैंने लिया है वो बेसिकली आज के हालात को देख के लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश आ रही है, हर समय कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। तो अब इसके पहले और आपने देखा कि इस सिचुएशन के वजह से काफी सारी रिपोर्ट्स आई है हॉस्पिटल सेक्टर पे, पोल्यूशन, डेफिनेटली पोल्यूशन, दिल्ली को देख लीजिए, मुंबई में कभी भी बारिश, चेंजिंग लाइफस्टाइल, तो इन सब के चलते हुए एक फायदा मिलेगा हॉस्पिटल्स को तो ये तो सब हम जानते हैं, लेकिन दूसरा जो फायदा मिलेगा वो आजकल होता है ना, आप डॉक्टर के पास पहुंच जाइए वो आपको देखेगा नहीं, पहले बोलेगा ये लो टेस्ट करके आओ। शुरू आपने किस नोट पे कर दिया शो को, मेट्रोपोलिस डराने वाला तो नहीं है लेकिन ये हकीकत है, तो आप डॉक्टर के पास हो जाए हाँ, और वो भी आपको यही बोलेगा कि टेस्ट करा लो। तो ऐसी एक टेस्ट कराने की जगह है मेट्रोपोलिस, जहाँ पे आप जाके यू ना अपने टेस्ट कराते, डायग्नोस्टिक सेंटर बेसिकली। तो अगर इस पे मैं बेट करना चाहता हूँ क्योंकि अभी जो हालात है उसको देखते हुए आगे अगर कोई फ्यूचर में कोई एक सेक्टर है जिसमें अच्छी खासी बढ़त देखने मिल सकती है, भले आपका और मेरा नुकसान हो रहा हो लेकिन इस सेक्टर को जो है बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और वो है डायग्नोस्टिक सेक्टर। उसमें अगर आपको एक बेट लेनी है तो मेट्रोपोलिस से ज़्यादा कोई भी बेटर नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा यू नो थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है पूरे डायग्नोस्टिक सेक्टर में, हालांकि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वहाँ से इसको कॉम्पिटिशन है लेकिन लगातार जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है वो इस इंडस्ट्री में भी देखने मिला है। करीब 50% के आसपास अनऑर्गेनाइज है जो अब ऑर्गेनाइज के तरफ बढ़ रहा है और उसका जो बड़ा फायदा है वो इस कंपनी को मिलेगा। दूसरा ये अपना जो लैब प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ाती जा रही है, यानी कि आगे के जो पेशेंट्स के पोटेंशियल है वो टैप करने के लिए ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। केपेक्स के वैसे भी इस कंपनी को ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि आपको करना क्या है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना है, उसमें आपके पेशेंट आएंगे, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार का एक टेस्ट करा के जाएंगे, तो उससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होना है और खासकर B2C सेगमेंट में ये कंपनियां अपना जो फोकस है वो लगातार बढ़ाते जा रही है। B2C मतलब डायरेक्टली हमारे को, आप और हम जो डायरेक्टली चले जाते हैं, अदरवाइज पहले हॉस्पिटल्स के साथ टाइप वगैरह होते थे तो वो नहीं है, ये अब 40% के आसपास इनका पहुंच चुका है और इसको आगे और बढ़ाने की प्लान कर रहे हैं। यानी बेसिकली अगर आपको एक डॉक्टर भी बोलेगा
तो आप मेट्रोपोलिस में चले जाओगे, वैसा हाल हो गया। अब आपका सिर्फ हॉस्पिटल के साथ टाइप नहीं है, तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा जो वॉल्यूम्स में है वो इस कंपनी को मिलेगा। तो आगे अगर यू नो नो डाउट हमारी और आपकी हालत शायद जेब खाली हो जाए इस चक्कर में, लेकिन ये स्टॉक जरूर चलेगा। और 11 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले, शायद इस रिजल्ट में आपको उतना बड़ा अपटेक देखने ना मिले, क्योंकि हालात जो है उसके बाद खराब होना शुरू हुए। तो अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो तो अच्छे आएंगे, और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है ना इस सेक्टर की वो अच्छी। वैसे ये फैक्ट है, लिमिट बढ़वा लो सबसे अच्छी, वो भी करेंगे, वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। मेडिक्लेम की लिमिट, एक तो मेडिक्लेम होना चाहिए सबसे पहले, ध्यान रखें, राइट, और लिमिट जितनी मैक्सिमम ले सकें, क्योंकि आजकल डिसीजेस बड़ी बहुत खर्चा कर जाती हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा था, प्रदीप ने बुलवा दिया मुझे, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के एक्सपोजर के लिए ना फार्मा कंपनी से फिर भी डर लगता है, तरह तरह की गाज गिरती है, वो हॉस्पिटल और ये इस तरह के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव बेड्स लगते हैं मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जो सेफर बेड्स हैं। और अब तो इसको एमएससीआई के नहीं आता, नहीं यूएसएफडीए इसमें, ये बाहर नहीं गया वहां पे। अच्छा, और इसको एमएससीआई इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में बाल बाल के इश्यूज होते हैं तो उसका भी टेस्ट वेस्ट होता है क्या? वरुण बहुत सही बात आ रहे हैं, अगर कुछ लोग नहीं भी बीमार है ना तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि लोग बिना उसके एनुअल, यस एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं, 10,000, 20,000, 5,000 के पैकेज लेते हैं। ये जरूरी भी है, जरूरी थोड़ी कि आप बीमार पड़े तभी जाएंगे, राइट। तो ये भी बहुत ट्रेंड बढ़ रहा है छोटे शहरों में भी, तो उसका भी बेनिफिट इन कंपनियों को मिलेगा। तो इस कंपनी और जब भी आप डिटेल टेस्ट कराएंगे कोई ना कोई बीमारी निकल निकल जाएगी। नहीं, इस डर से लोग कराते नहीं एक्चुअली, अब कि अरे कराएंगे तो कुछ निकल आएगा, लेकिन एक्चुअली कराना चाहिए आपको, पहले से पहले पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स में जो बीमारियां होती है वो आपको बहुत देर से पता चलती है, और इसलिए वो फिर कई बार लाइलाज हो जाती है। तो हम सब वाउच कर रहे हैं, मतलब वरुण के स्टॉक को लेकर पूरा सपोर्ट है, तीन ही तो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए लेके आए, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ठीक है। ये वो पहला स्टॉक हो गया, पहला बाला स्टॉक हो गया, यानी कि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक जो अट्रैक्टिव नजर आता है। दूसरा कौन सा? मैं दूं? मेरे पास दो है। तो मैं एक बताया था पहले। सुमित का रेडी है सब कुछ? रेडी है, पूछना पड़ता है भाई। हां बताइए। देखिए, जो मेरी कंपनी है, आप दो क्यों लेकर आए? हम मुझे तो एक ही बोला था। मेरे को भी एक बोला है। अरे ज्यादा क्वांटिटी थी, दो में भी दो ले आया। अच्छा, तो फिर हम ज्यादा पाते हैं। अगला स्टॉक कौन सा है? देखिए, पहला नाम है मेरा पास, वो है एफएल इंडिया। ये पहले नीरज जी भी बता चुके हैं, उसके बाद ये शेयर भाग भी चुका है वहां से बहुत, लेकिन फिर भी मैं अभी भी इसको मानता हूँ कि और चल सकता है कंपनी। सबसे बड़ी फोरमोस्ट वजह ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया में शायद पहली इन्वेस्टमेंट है। 7% इस कंपनी के अंदर स्टेक ओन करते हैं आईपीओ के टाइम से। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो कि B2C या फिर OTO2C जैसे कारोबार में है, यानी कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। मोबाइल पे जो एड्स आते हैं वो ये देते हैं, इंटरनेट पे जो पॉपअप आप देखते हैं वो ये देते हैं, और बाकी कस्टमर को FMCGs या फिर बाकी सेगमेंट के जो कस्टमर हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं एड वगैरह के। बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स, इंडियन ग्रुप्स इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है। और आईपीओ आया था, वहाँ से शेयर काफ़ी चल भी चुका है, 82% 83% के आसपास शेयर में मूव आ चुका है। गुना भी सब्सक्राइब होता है, यानी कि 90 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो उसी का रिजल्ट देखने को मिला भी है कि इतने अच्छे रिटर्न आ चुके हैं, नंबर्स ठीक ठाक है, सपोर्टिव है, शेयर नए हाइज बना रहा है। और वैसे भी इस टाइम बाजार का जो ट्रेंड है वो ये है कि मजबूत को और मजबूत करो, कमज़ोर को और कमज़ोर करो, तो जितने ज़्यादा वैल्यूएशन उसे और बेटर महंगा किए जा रहा है। तो अगर इस कंपनी में है, नंबर्स अच्छे हैं, इन्वेस्टर बड़े हैं जो अभी तक निकले नहीं हैं, तो मान सकते हैं कि आगे इसमें और चाल देखने को मिल सकती है। नंबर्स फॉलो अप करेंगे बाद में वैल्यूएशन को। ये वैसे फैक्ट है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज होती है ना, ये एफएल इंडिया हो गया, इससे पहले इंडिया मार्ट है, सवाल 100 लोग उठाते हैं पर हाथों हाथ लिया जाता है। और देखिए किस तरह की लिस्टिंग और किस तरह के वैल्यूएशन कमांड करने शुरू कर दिए इन स्टॉक्स ने। तो एफएल इंडिया, और विंडोज से याद आया मुझे, जगनमोहन रेड्डी साहब 74 लाख रुपए विंडोज पे खर्च कर रहे हैं, हालांकि वो विंडो अलग है, ये विंडो अलग है। सुमित बोल रहे थे मेरे दिमाग में घूम रहा था। चलिए, तो दो स्टॉक हो गए, एक तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और दूसरा एफएल इंडिया, ये दोनों रिसेंटली लिस्टेड बाला स्टॉक्स हैं। अगला कौन सा बता रहे हैं आप? चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी थीम से ये स्टॉक उठाया है, जो मैं आपको आंकड़े बता रहा था वो भी इसी वजह से मैंने ढूंढे थे कि इतनी जबरदस्त रिटर्न जो आईपीओ में आया है उसके बाद आपको जो नए कस्टमर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। हमारे बाजार में करीब 7% हिस्सा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, आई डायरेक्ट सबसे पॉपुलर
वेब प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं, और काफी लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग करना वहीं से सीखा है, बाद में भले ही दूसरे जगह पे और सस्ता मिला हो तो चले गए के चलते, ब्रोकरेज के चलते, जीरो ब्रोकरेज। हालांकि अब ये भी काफी अग्रेसिवली प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और यही वजह है। आप देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिस्टिंग के बाद से अब तक की जो स्थिति है, करीब 40% अपने हाई से नीचे चल रहा है। 463 का हाई बनाया था इसने लिस्टिंग के तुरंत बाद, और वहां से अभी काफी नीचे है। और ऐसी इस दौरान क्या हुआ, मैंने ये देखा कि उस समय यानी दो साल पहले इसका मुनाफा कितना था और आज कितना है। तो दो साल पहले इसका मुनाफा था 340 करोड़, और आज है 490 करोड़, यानी 50% मुनाफा बढ़ गया है, और प्राइस 50% करीब नीचे आ गया है। तो उस समय शायद फैंसी में बहुत बड़े वैल्यूएशन होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स कैचअप कर रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस लेवल पर आप देखिए इस कंपनी में ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन आएगा, इसका बड़ा फायदा इनको इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बैंक का बेस है, तो आईसीआईसीआई बैंक के तो जो कस्टमर कम से कम शेयर में थ्री इन वन अकाउंट के नाम से बहुत फायदा मिला था इनको, है ना, कि अकाउंट बैंक अकाउंट खोलिए, डीमैट खोलिए और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, तो उनके पास बना बनाया एक माइंड है जिससे ये प्रोडक्ट्स काफी अच्छी तरह बेच लेते हैं। और इसी वजह से इनका एक्टिव क्लाइंट बेस आप देखिए पिछले साल भर में कम से कम पिछले 4 क्वार्टर शेयर बाजार के लिए अच्छे नहीं रहे, अब जाके रिकवरी आ रही है, लेकिन इनका क्लाइंट बेस 12% से बढ़ा है। 12% की क्लाइंट ग्रोथ, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि किसी और कंपनी ने कंजम्पशन के किसी भी स्टॉक में आपको किसी भी कंपनी में देखने को मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और एक और बात देखिए, 3.5% की डिविडेंड यील्ड है इस भाव पे, और ये अपने मुनाफे का 50% हर साल डिविडेंड दे देते हैं। तो अब तो जब आप कह रहे हैं कि अब तो रिटेल आएगा, अभी तो यहाँ से मिड कैप में रिकवरी शुरू हो रही है, इसमें मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह वेल पोजीशन है ये कंपनी। और अगर आप इस थीम पे बेट करना चाहते हैं, आपकी बाला की जो थीम है, तो ये बहुत ही अच्छा शानदार स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इनफैक्ट इस ग्रुप की सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बाकी सब नए हाईज बना रहे हैं, ये रह गया है। और अंडर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस, नॉट अपने परफॉर्मेंस में। कारोबार अच्छा चल रहा है, मुनाफा 50% दो साल में, और कितना चाहिए। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक जो अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, बिजनेस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, रडार पे रखें। आज आप सबके स्टॉक में कुछ बोल नहीं रहे, अपना बहुत पढ़ के आए क्या? आपने उससे कहा था अपना पढ़ना, ज्यादा पढ़ के आए लग रहा है। एंड तक इनको अपने स्टॉक नहीं बताया, अपने स्टॉक छुपा के रखे थे। मैंने कहा मैं अपना पढ़ूंगा पहले, फिर इनके में ध्यान दूंगा। स्टॉक कौन सा है? देखिए हमारा स्टॉक ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता, सबको अपने घर में लगाना पड़ता। मैं एसी की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर में करियर कैसी है, या मित्सुबिशी का या लॉयड का है, तो कौन सी कंपनी? एक ही कंपनी है, अंबर इंटरप्राइजेस। इसको इसलिए चुना, रिसेंटली लिस्टेड है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 55% मार्केट शेयर है। मतलब जितने भी आप नाम, बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं इसमें, जिनके लिए काम करते हैं, जिसमें गोदरेज, करियर, हायर, डाइकन, हिताची, ब्लू स्टार, सिम्फनी, जितने आप सोच सकते हैं 55% मार्केट शेयर है। इंटरेस्टिंग है कि 19% रूम एसी मार्केट शेयर है ओवरऑल, मैन्युफैक्चरिंग में तो 55% है, अदरवाइज 19% है। उससे भी बढ़िया आंकड़ा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी केवल 4% का पेनिट्रेशन है एसी मार्केट का, जबकि ग्लोबल एवरेज 30% का। और हिंदुस्तान में जैसे गर्मी बढ़ रही है, कैसे बदला है, जब हम छोटे थे तो हवा होता था एसी, एक दुख के घर में किसी के मिल जाए एसी, वो भी कोई टॉप ब्यूरोक्रेट होता था, तो आप देखिए कैसे कैसे तस्वीर बदली, वो बेसिक नेसेसिटी। और एवरी कई जगह जो बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से अब एसी जो है लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। आप बिना उसके मेट्रो शहर में सर्वाइव नहीं कर सकते, इतनी गर्मी हो रही है। तो मुझे लगा ये कंपनी अच्छी, और चूंकि इसके नतीजे भी कल आए थे, नतीजे बहुत ही अच्छा थे, जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने लॉस किया था वाई यू वाई, अब ये प्रॉफिट में आ गए हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, सब आप देख सकते हैं ईयरली कैसे इन्होंने ग्रो किया है। FY16 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अब बढ़ के 2000 करोड़ हो चुका है, और एस्टिमेट है कि FY20 में ये 2500 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो इतना बड़ा रेवेन्यू और 112 करोड़ का ये प्रॉफिट ले रहे हैं। सारे पैमाने पर मुझे स्टॉक बढ़िया लगा, और सिर्फ ये है कि एसी का पेनिट्रेशन अभी और बढ़ेगा हिंदुस्तान में, तो आपको उस पर बेट करना चाहिए। और मार्केट शेयर है, सबके लिए काम करते हैं, तो सेफ बिजनेस। रिस्क सिर्फ ये है कि गर्मी कम हो जाए, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो रिस्क कभी आएगा। पर इस बार बारिश नवंबर तक खिंच रही है, पता नहीं सब बदलता जा रहा है, लेकिन हाँ गर्मी कम नहीं होगी वैसे इस बारिश में। और भी आपको एसी की जरूरत पड़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। अंबर आज इनकम्प्लीट रिसर्च है आपकी, कैसे कैसे? बातचीत कंटिन्यू करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाला स्टॉक्स की, यानी कि वो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स जो आज भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगला स्टॉक मैं बता देता हूं आपको, ये कंपनी है वेरॉक इंजीनियरिंग, पुणे बेस्ड एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। नीरज जी इसकी पूरी डिटेल्स आपको देंगे। नीरज जी वो बजाज के रिश्तेदार है ना, सबसे बड़ा क्लाइंट भी है वही। नीरज जी को बताइए स्टॉक कौन सा, तो पढ़ के नहीं आया, मैं ही बताऊंगा आपको। ये जुलाई 2018 में लिस्ट हुई थी, 967 उस समय इशू प्राइस था, और आज ये 400-450 के लेवल्स पर, यानी कि वहां से 50% वैल्यू एरोड होके समय कामकाज कर रही है। और उस जब आया था ना तो बहुत तगड़ी डिमांड थी इसके पेपर की, तब QIB का हिस्सा ध्यान रखें 9 गुने से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। अब ये पिटा क्यों? एक तो ऑटो एंसिलरी स्पेस, हम लोग जानते हैं किस तरह से ठंडी डिमांड एनवायरमेंट है, और इसके दो स्पेसिफिक इंटरनेशनल कस्टमर्स को लेकर वहां से डिमांड ठंडी पड़ी थी। ग्लोबली भी ऑटोज में आपको याद होगा प्रेशर था। तो अब अट्रैक्टिव क्यों? एक तो धंधा अच्छा है, 2/3 इस कंपनी के रेवेन्यूज जो आते हैं वो लाइटिंग सॉल्यूशंस से आते हैं। दुनिया भर की पैसेंजर कार मेकर्स के लिए लाइटिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराती है, और बचा 1/3 हमारे डोमेस्टिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए तमाम कंपोनेंट्स अप्लाई करके आता है। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड स्मार्ट मिक्स है बिजनेस का। 41 ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इसके पास, 41, और 16 R&D सेंटर्स हैं ग्लोबली। अच्छा, ये कंपनी धीरे धीरे करके बाकी क्लाइंट से अपना ग्लोबल शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो 2 से धक्का लगा था उसके बाद। तो 462 मिलियन यूरोस का FY19 में ऑर्डर मिला फोक्सवैगन और फोर्ड से, पिछली बार से 20% ज्यादा इन्होंने उनसे ऑर्डर्स बैक करे। चाइना में 60 मिलियन यूरोस के ऑर्डर्स मिले वहां के लोकल मैन्युफैक्चरर्स से, इस तरह से पैड बनाने की कोशिश कर रही है। और अब तो नए प्लांट्स मोरक्को, बल्गेरिया, ब्राजील में जो आए उससे रैंप अप कर रहे हैं, तो लाइटिंग बिजनेस में और फायदा मिलेगा। और साथ साथ पोलैंड में और चेन्नई में और नए प्लांट्स कमीशन हो रहे हैं इस साल, तो बहुत तगड़ा पाइपलाइन है। फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, हर साल रेवेन्यूज में अच्छा उछाल और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंप्रूव हो रही है इस कंपनी की। और इस कंपनी का जो इंडिया बिजनेस है ना, अपने सारे पीयर्स से आउट परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह की ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है। तो ये FY21 में कहा जाता है 44-45 का EPS करेगी, तो आज ये स्टॉक 10-11 के पी मल्टीपल में, एक समय बड़ा रिचली वैल्यूड हो गया था, आज 10-11 टाइम्स में अवेलेबल है, अट्रैक्टिव है। पर एक बात ध्यान रखें, अब जब तक ऑटोस का मूड नहीं सुधरेगा ना, वेरॉक इंजीनियरिंग ऐसे उछलता हुआ नजर नहीं आएगा, पर इवेंचुअली ये स्टॉक मुझे लगता है यहां से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अगला क्विकली बताएं स्टॉक। अच्छा, अगला स्टॉक जो मेरा स्टॉक है वो बेसिकली मैं होटल इंडस्ट्री से कोई स्टॉक लेना चाहता था, क्योंकि वहां डिमांड सप्लाई का काफी मिसमैच है, डिमांड तो काफी कम है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया गया नहीं, कमरा नहीं मिला लगता है, कहां गए थे कई गए थे इंदौर में, वरुण को कमरा नहीं मिला है, अगली बार जाके देखता हूं सयाजी होटल में मिल जाएगा शायद। लेकिन देखिए देखिए वहां डिमांड सप्लाई का काफी मिसमैच है, डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई काफी कम है, और सप्लाई डिमांड का मैच करने के लिए एक होटल बनाने के लिए कम से कम आपको 3-4 साल लग जाते हैं। तो वो जो गैप है उसके चलते आप देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री में एक रिवाइवल देखने मिलेगा, और आपने रिजल्ट्स में देखा भी है किस तरह से होटल इंडस्ट्री के रिजल्ट्स काफी बेहतर आए हैं। तो वहीं से एक लेमन ट्री करके होटल है जिसकी लिस्टिंग 2018 अप्रैल में हुई थी, 13 तारीख को इसके नतीजे भी आने वाले, तो नतीजों पर भी नजर रखें। लेकिन ये जो ओवरऑल ये होटल जो है वो काफी बेहतर लगता है, बेसिकली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है उनको ये कैटर करता है, और सरकार भी इस पूरे सेक्टर को रिवाइव करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, ई वीजा पे फीस कम की, इसके अलावा जो होटल रेट से उसके ऊपर GST कम किया था। अंदाज में बोल रहे हैं मौका नहीं दे रहे, नहीं ऐसा नहीं, बाकी किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे, ब्रेक में इनके स्टॉक पे बहुत चर्चा हो रही थी, इससे पहले कोई भी घुसे मैं धनाधन अपना सारा दे दूं। तो ये इसकी तो स्टोरी पूरी बता दी मैंने, और जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि एवरेज रूम रेट्स जो है उसमें साल दर साल 10-12% का इजाफा होगा, तो इससे इस कंपनी के ओवरऑल जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है उसमें फायदा होगा। सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है कि ये लेवरेज कुछ ज्यादा कर लेती है, लेकिन अगर आपको एक्सपांड करना है तो आपको केपेक्स करना होगा, तो इसके लिए मुझे ये स्टॉक पसंद आता है। सुमित के पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसके ऊपर, क्या देखिए अभी कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि इस कंपनी के पास एक डॉग स्क्वाड भी है जो इनका K2 फोर्स के तौर पर बोला जाता है, जिसे वो इस कंपनी के लिए यूज करते होंगे। हाँ, वो इनकी जो है एक फोर्स है प्रॉपर, और एम्प्लॉयज के तौर पर उसे काम